हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आज का गुड लक। आज के गुड लक में हम आपको राशियों की जानकारी देंगे, साथ में बताएंगे आपको गुड लक टिप, और आज के महा उपाय में हम आपको बताएंगे कि सावन मास में कौन सा ऐसा उपाय कर लिया जाए जो कुंडली को दोषों से मुक्त कर दे। तो देर कैसी, शुरू कर देते हैं आपका ही अपना खास कार्यक्रम आज का गुड लक। क्या आपकी कुंडली में कालसर्प योग तो नहीं? कालसर्प दोष भी कह सकते थे हम, हमने कहा कालसर्प योग, क्योंकि कालसर्प योग हमेशा जीवन में ऊंचाइयां दिलाता है। 12 प्रकार के कालसर्प योग होकर 144 प्रकार के बन जाते हैं। अनंत कालसर्प योग से शेषनाग कालसर्प योग तक तमाम कालसर्प योगों के निवारण के लिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्या करें अपनी कुंडली में, कैसे उसका निवारण हो, किस प्रकार से अनुष्ठान करा लिया जाए, महाकाल को रुद्राभिषेक कराकर क्या भेंट दी जाए, क्या समर्पित किया जाए ताकि आपकी कुंडली में दोष ही ना रहे और आप प्रतिवर्ष करते रहें तो आपके जीवन में वो ऊंचाइयां चली जाएं जो आपने कभी जिंदगी में सोची थी। तो उसके लिए क्या करना होगा, बस एक कॉल ही तो लगानी है। लगाओ कॉल। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। 3 अगस्त 2018 दिन शुक्रवार, रेवती नक्षत्र, षष्ठी कृष्ण पक्ष, सूर्य योग, चंद्रमा का भ्रमण मेष राशि में। आज का राहु काल का समय रहेगा 10:30 से लेकर 12 बजे। बात कर लेते हैं गोचर में आपकी राशियों की और मेष राशि वालों की आज की गोचर की स्थिति क्या कहती है। भाई आज व्यवसाय में निरंतर प्रगति की ओर आप अग्रसर रहेंगे तो उससे आपको आज लाभ देखने को मिलने वाला है। दोस्तों के साथ अधिक समय व्यतीत भी कर सकते हैं। मौज मस्ती का दिन है, अच्छा शुभ दिन है। गुलाबी रंग भी आपके लिए शुभ है और 11 नंबर आपके लिए है लकी। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। अपनी काबिलियत व क्षमता के भरपूर आपको उपयोग करने को आज मिलेंगे। आज आपको बहुत मौका मिलेगा अध्ययन और शोध पर भी आप अनुसंधान के लिए, ये समय आपके लिए अनुकूल कहता है। क्रीम रंग और 7 नंबर है लकी। बात करते हैं मिथुन राशि वालों। मिथुन राशि वालों के लिए खान पीन की उत्सुकता, इसके लिए थोड़ा प्रति आप सतर्क रहें। कभी ऐसा ना हो कि गड़बड़ी कर लें, खान पीन को बिगाड़ लें। सामाजिक कार्यों में भी व्यस्त आपकी बनी रहेगी, बस खान पीन का अपना ध्यान रखना होगा। तो 13 रंग और 5 नंबर है आपके लिए लकी। बात करते हैं कर्क राशि वालों। आज विद्यार्थियों का अध्ययन में मन लगाने के लिए और उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि आज उनका अध्ययन में धन लगेगा और माता से स्नेह थोड़ा सा प्राप्त होगा। शुभ अंक की बात कर लेते हैं, वह नंबर 6। बात कर लेते हैं अगली राशि सिंह राशि। आपके परिवार में प्रेम भाव बना रहेगा। परिवार में प्रेम भाव जब बनता है तो मित्रों से जो वाद विवाद की स्थिति है वो थोड़ी आपको देखने को मिल सकती है, मगर उनसे भी आप प्रेम बनाकर ही रखें, मित्रता में प्रेम बना के रखना चाहिए। लाल रंग और 24 नंबर है आपके लिए लकी। बात कर लेते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए आज युवा वर्ग के कैरियर को ज्यादा महत्वता देने का प्रयास करेंगे तो ये अच्छी बात है। नौकरी में थोड़ा आपका स्थानांतरण का योग देखने को मिल रहा है, हो सकता है कहीं आपका ट्रांसफर हो जाए। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, हरा और नंबर 8 आपके लिए अलग। बात करते हैं आज के अपने पहले कॉलर से, सूर्यकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गुरु जी। कल्याण जी आपका जी, 12 दिसंबर 1998। 12 दिसंबर 1998 जी। समय और स्थान बताओ सूर्यकांत जी। समय है 2 AM मैनपुरी। क्या जानकारी चाहते हो बताइए। जी मैं ये जानना
मैं कहता हूँ मेरे घर में पैसे की बहुत ही दिक्कत आ जाती है, जितना कमाता हूँ उतना ज्यादा खर्च हो जाता है, कब दिक्कत दूर होगी? बिल्कुल, आपको बताते हैं आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा। यहाँ पर आपकी कुंडली देखें, शनि वक्री हुए हैं, राहु आपकी कुंडली के बैठे हैं द्वादश भाव में। महेश साहब बात कर लेते हैं, महेश ऐसे में कुंडली में चल रही है, वो चल रही है आपकी राहु की, व्यय स्थान में बैठे हैं, खर्चा करा रहे हैं, महादशा राहु की है, करें क्या? एक नई ईंट लाओ, लाल थैले में बंद करो, उस पर एक बनाओ स्वास्तिक, चार बिंदी अंदर चार बिंदी बाहर, आठ आठों पहर लाभ संतोषा, मंत्र याद रख लो, उसको अपने घर के साउथ वेस्ट में ले जाकर रख लो। बस राहु का मुंह ड्रैगन का मुंह होता है, बंद कर दो। ये बहुत सरल उपाय बताया आपको, बहुत आसान और बहुत सटीक उपाय है ये राहु का। यही स्थान है राहु का, ध्यान रखना ये बात, ये स्थान घर में राहु का होता है, और राहु की महादशा चल रही हो और राहु व्यय स्थान में बैठा हो तो उसका मुंह बंद करो, क्योंकि वो खाता ही रहेगा जितना, अब आमदनी भी नहीं आने देगा। ईशान में कॉपर या कांसे के बर्तन में जल भर के रखो, उसमें प्रतिदिन पुष्प डालो, बस कुछ करना नहीं है, ये करते रहो। और आप पित्त के लिए थोड़ा सा परहेज किया करो, जब ईशान में पानी भर के रखोगे पित्त विकार भी ठीक हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। अंकिता जी से बात कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है अंकिता जी आपका। जी बताएं अंकिता जी। 7 जनवरी 93 समय और बताओ बच्चे। 6:20 शाम को। 6:20 शाम को, कहाँ का जन्म है? नागपुर महाराष्ट्र। जी क्या जानकारी चाहते हो? पंडित जी हमारे पड़ोसियों ने हम पर झूठा मुकदमा दायर किया है, मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, तो हमें जीतने के लिए कुछ बताइए। किस बात पे मुकदमा किया? जी वो हमेशा झगड़ा करते है हमसे, वो तो इसलिए उन्होंने मुझसे मारपीट की है और वो मुझ पर ही झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ये कुंडली आपकी है? जी जी बिल्कुल, आपकी महाशा देखकर बताते हैं क्यों आप पे मुकदमा किया है। गुरु की महाशा चल रही है और साथ में आपको बता दें कि आपकी कर्क लगन की कुंडली है, मंगल आपकी कुंडली के मिथुन राशि में बैठे हैं चंद्रमा के साथ और वक्री भी हुए। ओहो, तो आप बात सही कह रही हैं कि आप पे झूठा मुकदमा हुआ। अब फिर भी हम एक उपाय आपको ऐसा बताएंगे कि अगर आप सच्चे हैं तो जीत आपकी तभी निश्चित होगी। अब नोट कर लीजिए जल्दी से या बाद में से रिकॉर्डिंग में देख लेना। मंगलवार का दिन शुक्ल पक्ष मंगल यंत्र और जो कोर्ट केस की फाइलें हैं वो लाल कपड़े में बंद करो, 9 जोड़े लौंग के और 9 जोड़े इलायची के और थोड़ी सी पीली सरसों करीब 10 ग्राम के आसपास होनी चाहिए। इस लाल कपड़े में बंद करके मंगल यंत्र ऊपर से रख दो। और क्या करना है साथ में आपने, आपकी कुंडली में मंगल है 24 डिग्री के वक्री, यानी कि उनको कम से कम आपने 31 छोटी हनुमान चालीसाएं बांटनी होंगी मंगलवार के दिन और 9 मंगल तक लगातार। गुड़ चने शाम को 4 बजे के बाद गाय को देना। अगर आप सच्ची हैं तो जीत आपकी निश्चित होगी, पर ध्यान रखना अगर आप सच्ची नहीं है तो जीत उसकी निश्चित होगी। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर है हमारे साथ, ऋतु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। कल्याण जी आपका। हाँ जी, 17 अप्रैल 1982 में मेरा बर्थडे हुआ। एक बार दोबारा से बोलिए जरा ऋतु। 17 अप्रैल 1982 जी, समय और बताएं। हाँ, पंजाब में हुआ था गुरुवार। समय और बता दीजिए। 12:20 में हुआ था दोपहर के। पंजाब में कौन सी जगह हुआ था बता सकते हैं? गुरदासपुर। जी क्या जानकारी चाहते हैं बताओ? मैं पूछना चाहती हूँ कि दो सवाल है मेरे, एक मेरा घर कब तक बनेगा और दूसरा मेरी उम्र कितनी की है। क्या बात पूछी आपने। एक बात आपको बताएं हम और आपके माध्यम से बहुत लोग जानकारी लेना चाहेंगे कि कोई भी ज्योतिष 3 चीजें नहीं बताता, हालांकि उसे पता लगता है, बताता नहीं और बताना वैध भी नहीं है। किसी का चरित्र, उसकी आयु और आने वाला परिणाम ये बताया नहीं जाता, आदमी संदेह में रह जाता है। हालांकि हमें तो आयु भी पता लग जाती है और रोग भी पता लग जाता है क्योंकि हम वैध हैं, हमने कई वर्षों तक इस पे काफी रिसर्च किया है,
हमें रोग पता लग जाता है कब आएगा और वो रोग कैसे जाएगा, मगर आयु नहीं बता सकते आप ऑन एयर, तो बिल्कुल नहीं बता सकते, वैसे भी नहीं बताएंगे आयु आपको, मगर आपका दूसरा प्रश्न अवश्य बता देंगे, आपका आशियाना कब बनेगा। वो सपनों का आशियाना है, जिंदगी जीजिए, मृत्यु निश्चित है, उसकी इंतजार मत कीजिए। महादशा आपकी कुंडली में चल रही है, वो इस समय चल रही है गुरु की, और 16 से 32 तक तो सुरक्षित रहिएगा, जिंदगी काटिए बहुत अच्छी। और सबसे पहला उपाय कीजिए, गुरुवार के दिन श्री इंद्र के सामने जोत जलाइए, 27 गुरुवार। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं मैं आप कमला जी, सुन पा रहे हैं मैं आप जी? हाँ बताइए, डिटेल बताए। हमारा जन्म तो नहीं मालूम, 56 साल की उम्र, बहुत परेशान पंडित जी। क्या अभाव निकल नहीं पा रहे, क्या परेशानी चल रही है हमें बताइए, आराम से बताइए, घबराइएगा नहीं। परेशानी जैसे चल रही है, अपने हाथ पे मैं धड़कन तेज चलती है, शरीर में भारी पड़ रहता है। आपकी उम्र और वजन कितना है जी? आपकी उम्र कितनी है? 56 साल। 56 साल। वजन कितना है आपका? 44 किलो। 44 किलो, बहुत कम वजन की है आप फिर, इसका मतलब जी मालूम कोई चीज अंदर में है ऐसी, तो मतलब धड़कन बहुत तेज चलती, भारीपन बहुत रहता है शरीर में, तो डॉक्टर ही आराम लग नहीं रहा। आपको एक बात बताएं, जो आपने आयु और वजन बताया ना, इसमें इसका यहीं से हम बता सकते हैं, क्योंकि हम वैद्य हैं, तो हम सुनकर देखकर स्पर्श कर ये चिकित्सा हमको आती है। आपको पित्त विकार की मरीज हैं आप, ये आपको यहीं से बता दिया हमने। पित्त प्रकोप आपका हमेशा बड़ा रहेगा और उसकी वजह से आपको खाना अपचन की शिकायत बहुत ज्यादा रहेगी। हमारे यहाँ होता है स्नेहन, एक होता है अवलंबन, तो यहाँ पे आपको ये समस्या बनी रहेगी। इससे कफ का रेशा भी बहुत ज्यादा रहता है, मगर बहुत ज्यादा कफ नहीं रहेगा, ये रहेगा खाली सर्दियों में। करें क्या आप, सोते समय सिर दक्षिण की तरफ रखें, खाना खाने से 30 मिनट पहले 90 मिनट बाद तक पानी ना पिएं, क्षारीय पदार्थ खाना शुरू कर दें, चाय कॉफी बिल्कुल बंद कर दें, मीठा छोड़ दें, मीठा हो सके तो बिल्कुल छोड़ दें, नहीं तो आगे आपको पैनक्रियाज में इंसुलिन बनने बंद हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये सब समस्या हो जाती है। और साथ में आपने क्या औषधि लेनी है, थोड़ी सी अलसी और चिया सीड्स ये लिया करो, जितनी क्षारीय पदार्थ हैं ये लिया करो, विरोध आहार की चीजें मत लिया करो, नहीं तो स्वास्थ्य आपका, और संध्या काल के समय तो दही बिल्कुल मत लिया करो। जय श्री कृष्ण। चलिए अभी ले लेते हैं यहाँ पर बहुत ही छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं वो महा उपाय जो चंद्रमौली आशुतोष भगवान के शिव के दिन चल रहे हैं, उसमें आपको कल्याण कल्याण के लिए कुछ ना कुछ बताएंगे महा उपाय में ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आज का गुड लक। बात कर लेते हैं आपकी बाकी राशियों की, तुला राशि से आरंभ करते हैं। पिता आपके कुछ आपसे मन मिटाओ आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि आपने अपने पिता से थोड़ी मधुर वाणी बोले, आय और व्यय की अधिकता भी आपकी थोड़ी उसमें भी गड़बड़ी रह सकती है। चमकीला रंग 67 नंबर है आपके लिए लकी। बात कर लेते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके परिवार में किसी धार्मिक आयोजन की योजना बन सकती है, नए लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं, कोई मित्रों गणों से परिवारजनों से मुलाकात हो सकती है। लाल रंग और 18 नंबर है आपके लिए लकी। बात कर लेते हैं अगली राशि यानी कि धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए आपके स्वयं प्रयासों से कार्य में सफलता प्राप्त होगी, हम तो कहते हैं एफर्ट्स करते रहने चाहिए, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव भी तभी बढ़ेगा, मेहनत करती रहनी चाहिए आदमी को। पीला रंग और 33 नंबर है आपके लिए लकी। बात कर लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आज मित्रों से आपका प्रेम प्राप्त होगा या मित्रों को आपको प्रेम भी मिल सकता है। व्यवसाय में नई रणनीति अपनाएंगे, वाहन चलाते समय बस सावधानी रखनी होगी आपको। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, नीला और नंबर 7 है आपके लिए लकी। कुंभ राशि की बात करते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए क्या स्थिति, आत्मविश्वास व परिश्रम से कार्य क्षेत्र में विजय हासिल कर सकते हैं, मेहनत करो तभी तो विजय श्री मिलेगी, ईश्वर भक्ति में ध्यान लगा कर रखो। शुभ रंग की बात कर लेते हैं, बैंगनी 26 नंबर है आपके लिए लकी।
बात करते हैं अगली राशि यानी मीन राशि। आज की अंतिम राशि क्या कहती है? आपके रुके हुए कार्य में गति आ सकती है। रिश्तेदार व मित्रों से कोई विशेष सहायता भी प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। हल्का पीला रंग और 14 नंबर है आपके लिए लकी। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु जी प्रणाम। कल्याण जी आपका। डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1997। समय और बताओ बच्चे, स्थान बताओ। समय 3:25 दोपहर ऋषिकेश उत्तराखंड। क्या जानकारी चाहते हो? गुरु जी 3-4 महीने समय बहुत ही खराब चल रहा है, मतलब रिलेशनशिप भी था तो टूट गया, उसमें मतलब धोखा हुआ है और नौकरी भी नहीं लग पा रही हर तरीके। कितने टाइम से टूट गया? रिश्ता टूट गया जी। हैं? रिलेशनशिप का मतलब जी, लड़की के वजह उससे टूट गया उसकी तरफ से मतलब। कुंडली तो आपकी बताती है आप थोड़ा क्रोधी प्रवृत्ति के हैं। लड़की वजह से टूटा जी। हम नहीं मानते लड़की की वजह से टूटा, ये कुंडली तो बोलती है आपकी वजह से टूटा। गुरु आपकी कुंडली के लगन भाव में अवश्य बैठे हैं, यहाँ पर राहु बुध की युति देखने को मिली है। थोड़ा सा आपको मनाना चाहिए, आपकी जो पत्नी का या स्पाउस हाउस है उसका जो स्वामी है वो शनि के साथ बैठा है, कुछ दिनों बाद आपको फिर याद सताएगी। क्या करोगे? देखो गुरु जी वो मतलब उसने एंगेजमेंट कर ली तो इस वजह से टूटा। अच्छा, क्या हो सकता है, मतलब वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता? चलिए आपको उपाय बताते हैं, परेशान मत हो आप, उपाय बताते हैं आपको, बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। भगवान शिव को मधु होता है ना, मधु शहद और भस्मी, इससे अभिषेक करें। और ये कब करना? गुरुवार के दिन, शनिवार के दिन, 2 दिन करके देखो, इससे बहुत सारी आपकी समस्या का समाधान होगा। ओम नमः शिवाय। चलिए अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा, बहुत सुंदर, बताइए डिटेल। 4 अप्रैल 1996। समय और स्थान बताओ बच्चे। शाम को 6 बजे आंधी। क्या जानकारी चाहते हो? जी मैं पढ़ाई करती हूँ, उसमें सक्सेस नहीं हो पाती और जॉब के लिए पूछना था। बिल्कुल आपको बताते हैं, पढ़ाई और जॉब के लिए यहाँ कुंडली देखें तो आपकी कुंडली कन्या लगन की यही राशि और राहु भी यहाँ चंद्रमा के साथ जाकर बैठे हैं। मन को एकाग्र करना होगा, उसके बाद आपकी जॉब और पढ़ाई में दोनों में सफलता मिलेगी। इसके लिए क्या करें आप, 27 बुधवार तक 23 रुपए की हरी सब्जी गाय को खिलाओ, उसके बाद सोमवार के उपाय करना। और आजकल चल रहे हैं बाबा के दिन, पंचामृत और 7 सफेद पुष्प सोमवार के दिन समर्पित करो। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुन पा रहे हैं मैं आप? हेलो। हाँ जी बताएं। हाँ मैं विलन बात कर रहा हूँ। बर्थडे 9 जनवरी 71। हाँ 11:30 पुणे, 11:30 PM पुणे जी। मेरे ये आपका दूसरा कॉल लगाया था, आपने वो शनि के बारे में मुझे उपाय बताया था, वो मैंने किया, लेकिन अभी तक मेरा प्रॉब्लम ऐसे कि मन बहुत बेचैन है, कभी कभी सुसाइड करने का मन करता है, कोई भी काम ठीक से हो नहीं रहा है, कुमार जीवन है, फिर भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मुझे समर्पण होना था आजकल में, वो भी नहीं हो रहा हूँ, और नौकरी भी कोई तरक्की नहीं हो रही, आप उपाय बताइए। देखिए एक बात बताएं आपको, अब ये किसी नेशनल चैनल पे हम लाइव ही बोल रहे हैं कि कभी भी जीवन में इसको अंत करने का प्रयास आप क्या कोई भी ना करें, क्योंकि इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। जिंदगी अगर मिली है तो इसमें संघर्ष करना सीखना चाहिए, ना कि इसको सुसाइड की तरफ ले जाना चाहिए। ये बात तो हमारी बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिए, ना आपकी कुंडली में ऐसा योग है। क्योंकि एक बात बताएं आपको, वो एक घड़ी और काल होती है, अगर आप करने की सोचेंगे भी ना और कुछ उसमें बच गए तो दुनिया से कहते रहोगे मुझे बचा लो, आपका योग नहीं है। इसलिए इस बात को कभी किसी को भी नहीं सोचना चाहिए, और आप तो बिल्कुल ना सोचें, इस बात को दिमाग में बिठा लें कि सुसाइड का तो दिमाग में से निकाल दें। इसलिए हमने थोड़ा समय ज्यादा लिया इस पे 1 मिनट का आपको बोलने के लिए।
दूसरी आपको जीवन में अपार सफलता मिलेगी। शनि की उपासना करते रहिए, तिल तेल ओड़ा सवा सौ ग्राम कम से कम यहाँ पर 19 शनिवार तक भेंट कीजिए, शुक्रवार को खरीद के लाइए और प्रयास कीजिए। सावन मास का महीना चल रहा है, शंकर जी को एक डमरू त्रिशूल भेंट दे दो, इसके बाद आपके दिमाग में से इस तरह की तमाम बातें निकल जाएंगी। आप किसी भी माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको अवश्य मशवरा देंगे, मगर इस बात को दिमाग में से निकाल दीजिएगा। राधा जी से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते गुरु जी। कल्याण जी आपका डिटेल बताइए। मेरा नाम आभा है। टीवी का वॉल्यूम कम कर बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमसे। बताएं आभा जी, डिटेल बताएं आप। लगता है आभा जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। बलदेव जी से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलदेव जी आपका। हाँ जी महाराज जी, नमस्कार जी। कल्याण जी आपका, डिटेल बताइए। डिटेल गुरु जी, डिटेल यही है गुरु जी, आप आशीर्वाद दे दो हमको। बिल्कुल आशीर्वाद है। टीवी का वॉल्यूम कम कर समस्या बताओ, क्या समस्या चल रही है गुरु जी? आशीर्वाद ही दे दो महाराज, सावन का चल रहा, मेरा बेटा मेरा आपको पता है बेटा गुजर गया था जी। अच्छा अच्छा। अनुपात पता लगा था जी। हम अपना जीवन रूप बीत के पूरा कर रहे हैं। याद आ गया, हमने आपने एक बार हमसे प्रश्न पूछा था ऐसा। बस फिर बात दे दो जी महाराज। बिंद्रावन वो कोसी वाले गुरु जी भी आए थे हमारे घर। अच्छा। वो शनि मंदिर वाले गुरु जी भी आए थे मेरे घर बाबा जी। हाँ, आप बिल्कुल, हम आपको मशवरा दे देते हैं, क्या करें आप, एक बार महाकाल का महारुद्री पाठ अवश्य करा लीजिए, हो सके तो लघु रुद्री करा लीजिए, कोई भी आप पकड़ जो आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से घर में कराइए और प्रयास कीजिएगा कि घर में जब रुद्री कराएं तो आप किसी ना किसी युक्ति से, कैसी युक्ति बनाएं जो ब्राह्मणों को घर बुलाएं तो उनको खड़ाऊ प्रदान अवश्य करें। दुख हर, दारिद्र हर, कंटक हर, कलेश हर, अज्ञानता हर, खड़ाऊ के साथ देने से ये सब चले जाते हैं। चले अब बात कर लेते हैं आज का अपना वादा निभाने की। जैसा हमारा आपसे वादा होता है, हम आपको बताएंगे आज के महा उपाय में। अगर आपकी कुंडली के छठे भाव में, छठा भाव होता है रोग का, शत्रुता का, ये पीड़ा दे रहा है, दोषयुक्त, तो शिवलिंग पर रोगों की मुक्ति के लिए आप लगातार 7 दिन तक प्रातःकाल उठकर नियमित रूप से आंकड़े के फूल, इसकी माला बनाकर शिवलिंग पर समर्पित करें तो व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, उसको रोग नहीं सताते। 21 बार महामंत्र का जाप कर लें, मृत्युंजम महादेव त्राही माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म, मंत्र है जिसको करने से उसको व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है। और आज का लकी टिप क्या है, आपके पास गाड़ी नहीं है तो रोज शिवलिंग पर चमेली के पुष्प चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार करो, शीघ्र आपको उच्च वाहन का योग बनेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए महा उपाय और गुड लक टिप के साथ, मगर आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ और रहिए सुरक्षित। बरसात का महीना है, मुझे दीजिए इजाजत। ओम।